अब देवर्षि नारद भगवान नारायण को कहते हैं कि हे भगवान नारायण, परा प्रकृति का एक अंश भगवती गंगा है, उनकी कथा आपने सुनाई, मैंने सुनी, अब आप कृपा करके मुझे भगवती तुलसी की कथा सुनाए। परा प्रकृति की एक अंश, उन भगवती की एक अंश ये तुलसी महारानी है, और इनके पूर्व जन्म की कथा आप कृपा करके सुनाए। ये तुलसी ये साक्षात महालक्ष्मी है, बिना तुलसी के भगवान को ना भोग लगेगा ना भगवान कुछ स्वीकार करेंगे। ये महापतिव्रता सती हैं, तो इनकी कथा भगवान नारायण सुना रहे हैं कि हे नारद, पूर्व काल में वृषभध्वज नाम के एक राजा हुए, और ये वृषभध्वज भगवान शंकर के भक्त हुए। वृषभध्वजस्य तत्पुत्रो वृषभध्वज परायण, वृषभध्वज भगवान शंकर का ही एक नाम है। नारायण का एक नाम है गरुड़ध्वज, क्योंकि भगवान नारायण का वाहन है गरुड़, और भगवान शंकर काय पे बैठते हैं, नंदी के ऊपर, वृषभ के ऊपर। तो शिवजी का एक नाम है वृषभध्वज। तो ये वृषभध्वज नामक राजा ये भगवान शंकर के परम भक्त थे, परम शैव थे, और इतने कट्टर शिव भक्त थे कि शिवजी को छोड़कर के दूसरे किसी देवता को प्रणाम भी नहीं करते, नारायण को प्रणाम भी नहीं करते, किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाते, किसी दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करते, बोले केवल भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं, और शिवात् परतरम नास्ति, भगवान शिव को छोड़कर के दुनिया में कोई और देवता है नहीं। यद्यपि जो नारायण है वही शिव हैं, जो ही शिव हैं वही ब्रह्मा हैं, परब्रह्म एक हैं, वही परब्रह्म विष्णु शिव नारायण विविध रूप में प्रकट होते हैं। तो ये वृषभध्वज परम शैव्य थे, इतने कट्टर शैव्य थे कि सभी देवताओं की निंदा करने लगे, अन्य देवताओं के मंदिर को बंद कर दिया, अपने राज्य में अन्य देवताओं की पूजा को बंद कर दिया। भगवान सूर्य आदि देव हैं, प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी देवता का दर्शन हमको होता है तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन होता है, क्योंकि सबको तेज प्रदान करने वाले भगवान सूर्य हैं, सबको ऊर्जा प्रदान करने वाले भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य ने समझाया, हे वृषभध्वज, जो शिव हैं वही विष्णु हैं, भगवान विष्णु में भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, आप अन्य देवी देवताओं का अपमान तिरस्कार न करें। तब वृषभध्वज ने नहीं माना, वो नहीं माना। जब नहीं माना तो सूर्य भगवान ने अभिशाप श्राप दे दिया, रे वृषभध्वज, तू महालक्ष्मी सरस्वती नारायण अन्य देवियों देवताओं का तिरस्कार करता है, निंदा करता है, जा श्राप देता हूं तू श्री से भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा। जब ऐसा श्राप दे दिया तो लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली गई, और जब लक्ष्मी चली गई राजा वृषभध्वज स्त्रीहीन हो गया, दरिद्र हो गया। और जब सूर्य भगवान ने वृषभध्वज को श्राप दे दिया, रोते रोते वृषभध्वज शिवजी के पास आया, बोले हे महादेव, आप मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपका भक्त हूं, आपका दास हूं, और सूर्य ने मुझे अभिशाप दे दिया, और सूर्य के श्राप से मैं श्रीहीन हो गया, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया, यश प्रतिष्ठा संपत्ति सब चली गई, आप कृपा कीजिए। और भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, आशुतोष मने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं केवल जाके जल डाल दो, महादेव 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 इति यो ब्रुवेत,
एकेन शंभु प्रीतस्यात द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। शिवजी के सामने जाकर के केवल तीन बार महादेव 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 कोई उच्चारण कर दे तो एक बार महादेव कहते ही भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने भक्त को संकट में देख करके और सूर्य भगवान ने श्राप दिया है वृषभध्वज को जान करके महादेव ने त्रिशूल उठाया, बोले हे सूर्य तुमने मेरे भक्त को कष्ट दी तो मार दूंगा कहकर के सूर्य के पीछे पीछे भागने लगे। तब सूर्य भयभीत होकर के, देखो भगवान शंकर का एक नाम है महाकाल, क्या है, जो काल के भी काल हैं, और महाकाल जिसके पीछे पड़ेंगे उसको कौन बचाएगा। तो सूर्य के पीछे भगवान त्रिशूल लोके दौड़े महाकाल, तो सूर्य भगवान दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए भगवान शंकर मेरे पीछे पड़े हैं। बोले क्या हुआ, उनके भक्त को श्राप दे दिया। अरे 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 महाकाल पीछे पड़े हैं तो कौन बचाए। तो ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, वृषभध्वज को लेकर के सूर्य ब्रह्मा भगवान नारायण के पास गए, हे नारायण आप रक्षा कीजिए। तब नारायण ने कहा हे वृषभध्वज आप भय मत कीजिए, क्योंकि महादेव मेरे ही अंश हैं, जो मेरा स्वरूप है वही भगवान शिव का स्वरूप है। अद्य प्रभृति मद्बरेण भयम वो नास्ति शंकरम, मैं वरदान देता हूं वृषभध्वज आज से भगवान शंकर तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू निर्भय हो जा। सुदर्शन शिवश्चैव मम प्राणाधिक प्रिय ब्रह्मांडेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्नयो परः। हे ब्रह्मा भगवान शंकर मेरे जैसे ही सुंदर हैं। शिवजी का रूप कैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर जैसे गौर वर्ण है भगवान शंकर। शिवश्चैव मम प्राणाधिक प्रियः, भगवान नारायण कहते हैं भगवान शिव मुझे प्राण से प्रिय हैं, शिव मेरी आत्मा है। लिंग थापि कर विधिवत पूजा शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा, भगवान राम कहते हैं मुझे शिव से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। और शंकर द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहे सपने हूं नहीं भावा, मेरा भक्त है और भगवान शिव से द्रोह करता है, शिव द्रोही कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मांडेशु न तेजस्वी, इस पूरे ब्रह्मांड में महादेव जैसा तेजस्वी कोई नहीं है। ये महादेव पूरे ब्रह्मांड को एक निमेश एक आंख के पलक गिरते के समय में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता ये महादेव रखते हैं। शक्त सष्टुम महादेव सूर्य कोटिम च लीलया कोटि च ब्रह्मांडमेव नासाध्यम शूलिनम प्रभु। अगर भगवान शंकर संकल्प कर लें 1 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं, अगर महादेव संकल्प कर लें तो अनंत ब्रह्मांडों को एक साथ प्रकट कर दें, और संकल्प कर दें तो सारे ब्रह्मांड में प्रलय कर सकते हैं। इसीलिए बाह्य ज्ञान नैव किंचित ध्यायते माम दिवानिशम मन मंत्रान मद्गुणान भक्त्या पंचवक्त्रेण गायति। नारायण कहते हैं हे ब्रह्मा हे सूर्य भगवान शिव को होश नहीं रहता। क्यों होश नहीं रहता, लोग कहते हैं भगवान शिव भांग खाते हैं, भगवान शिव भांग नहीं खाते। नारायण कहते हैं बाह्य ज्ञान नैव किंचित ध्यायते माम दिवानिसिम, महादेव नेत्र बंद करके सदैव मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं,
और मेरा चिंतन करते करते महादेव को बाह्य ज्ञान भी नहीं होता, इसीलिए भगवान शंकर कपड़ा भी नहीं पहनते, दिगंबर रहते हैं, दिशा ही जिनके वस्त्र में है, इनको ध्यान ही नहीं है। मन मंत्रात् मद्गुणान् भक्त्या पंचवक्त्रेण गायति। भगवान शिव के कितने मस्तक हैं? पांच, पंचानन। ये महादेव मेरे मंत्र को, मेरे नाम को, मेरे लीलाओं को सदैव पांच मुखों से गाते हैं और सब भक्त सुनते हैं। इसीलिए हे वृषभध्वज, हे सूर्य, मैं आपको अभय देता हूं, आपको शंकर जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां भगवान नारायण महादेव की महिमा गा रहे हैं सबके आगे, और उसी समय महादेव वहां पहुंच गए। क्योंकि देखो, कोई अगर अपना ज्यादा प्रिय हो और हमें याद करता हो तो आभास हमें हो जाती है। तो नारायण भगवान शंकर को याद कर रहे हैं और महादेव वहां पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे साष्टांग प्रणाम किया नारायण को, हे प्रभु, हे प्राणधन, हे प्राणनाथ, कोटि कोटि प्रणाम। रत्न सिंहासनस्थम च रत्नालंकार भूषितम किरीटिनम कुंडलीनम चक्रीणम वनमालिनम। भगवान रत्न सिंहासन पे विराजमान है, सुंदर मुकुट, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म मकर कुंडल पर बनमाल धारण किए हुए। महादेव ने स्तुति की, तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। महादेव सदैव कैलाश पर्वत पे राम 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 दिन रात जपते हैं। नारायण महादेव के प्रिय हैं। भगवान नारायण की उपासना स्तुति करके महादेव वहां बैठ गए, चरणों में बैठ गए। तब नारायण ने पूछा कि बाबा, हे महादेव, आगतोसी कथम चात्रह वदो कोपस्य कारणम। आपका यहां आगमन क्यों हुआ है? आप यहां कैसे आए हो? और हे महादेव, आप क्रोधित क्यों हो? क्यों क्रोधित हो? इतने आक्रोश में क्यों हो? अपने क्रोध का कारण बताओ। तब महादेव ने कहा कि प्रभु, ये सूर्य, इसने मेरे भक्त वृषभध्वज को श्राप दे दिया और इसके कारण मेरा भक्त दुखी है। वृषभध्वजम च मद भक्तम मम प्राणाधिकम प्रियम सूर्य ससाप इति मे प्राकोपस्यतु कारणम। इसलिए सूर्य भगवान को मारने के लिए मैं आया हूं। भगवान ने कहा, हे नारायण, हे महादेव, आपको ऐसे ही लोग भोले बाबा नहीं कहते। देखो, ये सूर्य, ये अनादि हैं। अगर सूर्य को ही मार दोगे तो दिन रात कैसे होगा? इसलिए बाबा, आप क्रोध को शांत कीजिए। महादेव ने हाथ जोड़ा, बोला, प्रभु, वैसे भी अभी मैं सूर्य को कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हे गोविंद, हे नारायण, हे मेरे प्राणधन, जो आपके शरण में एक बार आ जाए उसको कौन मार सकता है? जो एक बार आपके शरण में गलती से भी आ जाए, भूल से भी आ जाए, जिह्वा से एक बार कह दे कि हे नारायण, मैं आपका हूं, तो प्रभु चक्र सुदर्शन उसकी रक्षा में रहती है। त्वयी ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसा पिवा निरापदो विशंकास्ते जरा मृत्युश्च तेर्जित। ये प्रभु, ध्यान से या केवल वाणी से कोई एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि यति च याचेत अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम ममः।
भगवान राम कहते हैं एक बार सकृत माने एक बार कोई केवल वाणी से कह दे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मैं आपके शरण में हूं, तो भगवान कहते हैं मैं उसे अभय कर देता हूं। भगवान को छोड़ के, जगन्नाथ को छोड़ के जीव को अभय प्रदान करने वाला कोई नहीं है, कोई देवी देवता सक्षम नहीं है जीव को अभय प्रदान करने में, क्योंकि भगवान से सब डरते हैं। मद भयात बाति बातो यम सूर्य स्तपति मत भयात बरसन इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। ये वायु भगवान के भय से बह रहा है, इस सूर्य भगवान के भय से उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, मृत्यु भगवान के भय से क्रियाशील है, भगवान से सब डरते हैं। इसीलिए अगर पूर्ण निर्भय बनना हो तो एकमात्र जगन्नाथ के आश्रय में जाओ। किसी देवी देवता में अभय प्रदान करने की क्षमता नहीं है। हरि स्मृति चाभयदा सर्व मंगलदा सदा। हे नारायण, हरि स्मृति इस सर्वदा जीव को अभय प्रदान कर देती है। जो भगवान को याद करते हैं उसकी रक्षा भगवान करते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले हे महादेव, आप गोल वैकुंठ में आए हैं, यहां आए आपको बस आधा घंटा, आधी घड़ी बीती है, और यहां वैकुंठ में आधी घड़ी बीत गई और वहां पृथ्वी में कितने युग बीत चुके हैं। इसीलिए ये जो वृषभ ध्वज जिसके कारण आप सूर्य भगवान के पीछे पीछे आए हो, वो वृषभ ध्वज भी काल के गति से मर चुका है, आपका भक्त और नहीं बचा, मर चुका है, और उसके पुत्र नाती पोता सब मर चुके हैं। इसलिए हे महादेव, अब आप यहां से चले जाइए। कालोतीतायो देवेन युगानामेक विंशति वैकुंठम घटिकार्धेन शीघ्रम गच्छ त्वमालयम्। आधा घड़ी वैकुंठ में बीता और यहां पृथ्वी में 21 युग बीत गए, 21 युग बीती गले। इसलिए महादेव आप यहां से वापस चले जाइए। वृषभध्वज मर चुका है, उसका पुत्र रथध्वज मर चुका है, और रथध्वज का पुत्र अभी धर्मध्वज और कुशध्वज है। वृषभध्वज का पुत्र है रथध्वज, और रथध्वज के दो पुत्र हुए, एक का नाम हुआ धर्मध्वज, एक का नाम हुआ कुशध्वज है। और सूर्य के श्राप से वृषभध्वज श्रीहीन हो गया, लक्ष्मी से हीन हो गया, और इसी कारण कुशध्वज और धर्मध्वज ये दोनों अभी तपस्या कर रहे हैं, महालक्ष्मी की तपस्या कर रहे हैं कि हमें लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान नारायण, आप बताइए धर्मध्वज के जो वंश में ये दो भाई कुशध्वज और धर्मध्वज, वृषभध्वज के वंश में जो दो भाई हुए, इनके वंश में कौन आए और लक्ष्मी जी की तपस्या करके इनको क्या प्राप्त हुआ? नारायण कहते हैं नारद, जो बड़े पुत्र हैं कुशध्वज, उनकी मालावती नाम की एक धर्मपत्नी थी। क्या नाम था? मालावती। उस देवी ने दीर्घ काल बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। लक्ष्मी जी के वर से मालावती ने, कुशध्वज की पत्नी ने, एक कन्या को जन्म दिया। और देखो भारत की कन्याएं कितनी विदुषी थी, जन्म लेते ही उस कन्या ने वेद मंत्र पढ़ा, उस कन्या के मुख से वेदध्वनि हुई, इसी कारण उस कन्या का नाम हुआ वेदवती। क्या नाम हुआ? वेदवती।
जन्म लेते ही उस कन्या ने वेद मंत्र उच्चारण किया। तब वह वेदवती जब बड़ी हुई, ये महातपस्विनी बनी, पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तपस्या करने लगी। पुष्कर जानते, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर जहां है, पुष्कर क्षेत्र में जाकर के ये महासती वेदपति तपस्या करने लगे। और तब आकाशवाणी हुआ, जन्मांतरे चते भरता भविष्यति हरि स्वयं ब्रह्माधिविर दुराराध्यम पतिम लप्स्यसि सुंदरी। जब वेदवती पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगी और तपस्या सिद्ध हुआ, तो आकाशवाणी हुआ कि हे वेदवती, आपकी तपस्या सिद्ध हुई है, आपकी तपस्या फलवती हुई है, और तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जो दुर्लभ हैं, वह साक्षात श्री हरि, वो नारायण आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो नारायण आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। तब वेदवती प्रसन्न हो गई, जिस उद्देश्य से तपस्या में बैठी थी वह उद्देश्य पूरा हुआ, और गंधमादन पर्वत पे वह चली गई और गंधमादन पर्वत में जाकर के पुनः तपस्या करने लगी। जब गंधमादन पर्वत पे वेदवती तपस्या कर रही थी, उस समय रावण वहां आया। रावण वहां आया, और रावण कौन था, ब्राह्मण था कि नहीं। रावण को देख करके वेदवती समझी ब्राह्मण आए हैं, और हमारा धर्म है, क्योंकि मैं राजपुत्री हूं, क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण का स्वागत करे, चरण धोए, सेवा करे। तो ब्राह्मण जान करके वेदवती रावण की सेवा करने गई। वेदवती नहीं जानती थी ये नाम का ब्राह्मण है, काम का असुर है, केवल जाति का ब्राह्मण है वरना असुर है। तो वेदवती ब्राह्मण सोच करके रावण के पास गई और चरण धोकर के सेवा पूजा करने लगी, लेकिन रावण की दृष्टि वेदवती के सौंदर्य के ऊपर चली गई, और वेदवती के साथ अभद्रता करने लगा रावण, बाल पकड़ करके खींचने लगा। और वेदवती कोई सामान्य नारी तो है नहीं, महातपस्विनी है, परम विदुषी है, तुरंत दूर हट गई। सावधान रावण, यह जो पाप तूने किया, एक साध्वी तपस्विनी तपोपूता नारी को अपवित्र करने की चेष्टा की, मैं श्राप देती हूं रावण, तेरे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मेरे कारण ही वंश सहित तेरा नाश हो जाएगा, तेरा वंश खत्म हो जाएगा। यह शाप दे दी और वेदवती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। वहीं योग अग्नि प्रकट करके वेदवती भस्म हो गई। सा ससाप मदर्थे त्वाम विनक्षति सबांधवा, बांधवों के सहित वंश के साथ तेरा नाश हो जाएगा। और वही वेदवती जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार होता है, परब्रह्म भगवान नारायण अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में आते हैं, और पराम्बा भगवती महालक्ष्मी माँ जानकी के रूप में आती हैं, तो वेदवती को वरदान मिला था कि अगले जन्म में भगवान तुझे पति रूप में मिलेंगे। तो जनक पुत्री सीता के सहित एक रूप होकर के ये वेदवती भी जन्म लेती हैं, साक्षात महालक्ष्मी आती हैं जानकी के रूप में, और ये वेदवती सीता जानकी के भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं। और पूर्व तपस्या के फल से जब माता सीता का वरण जनकपुर में राम जी पधारे, धनुष को तोड़ा, और जनक जी ने इयम सीता मम सुता सहधर्मचर्य तवह कहकर कन्या दान किया, तो सीता जी के भीतर कौन है, वेदवती हैं, तो राम जी को पति के रूप में वेदवती प्राप्त करती हैं। भगवत इच्छा से
राम जी ने राज्य छोड़ा, अयोध्या छोड़ा, वन में चले गए, 14 वर्ष वन में रहे, जानकी जी का हरण हुआ। जब जानकी जी का हरण होने वाला था, उससे पूर्व पंचवटी में जब भगवान थे, लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे, अग्निदेव वहां ब्राह्मण के रूप में आए। राम जी पहचान गए ये साक्षात अग्निदेव हैं। अग्निदेव ने कहा कि प्रभु अब असुर मारण लीला आरंभ होगी, रावण आएगा कपट रूप धारण करके और जानकी जी का हरण करके ले जाएगा, पर वास्तविक सीता को रावण छू भी नहीं पाएगा, छू भी ले तो रावण वहीं भस्म होके मर जाएगा, इसलिए आप जानकी जी को मुझे प्रदान कीजिए। और माया सीता, छाया सीता, नकली सीता रावण लेके जाएगा, असली सीता अग्नि में सुरक्षित रहेगी। तब राम जी ने जानकी जी को अग्नि में समर्पित कर दिया, अग्नि जी को सौंप दिया, और रावण आया साधु के रूप में और छाया सीता को लेके गया, असली सीता को नहीं। और जानकी जी वहां लंका में रही, राम जी वानर सेना लेकर के सेतु बंधन करके लंका में पधारते हैं, रावण कुंभकर्ण आदि संपूर्ण दैत्यों का संहार करते हैं और जानकी जी को ससम्मान लेकर के आते हैं, और वहां पुनः अग्निदेव वास्तविक सीता को वापस कर देते हैं। और जब वापस असली सीता आ जाती हैं, तो जो छाया सीता रावण लेकर के गया था, वो छाया सीता राम जी के पास आई, बोले प्रभु अब मैं कहां जाऊं, जानकी जी तो आपके साथ अभी जाएगी, पर प्रभु मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊं। तब भगवान कहते हैं छाया सीता से कि हे छाया सीता, आप जाकर के तपस्या कीजिए, तपस्या कीजिए। तो वह छाया सीता पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तपस्या करती हैं, और तपस्या के फल स्वरूप पुनः द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार होते हैं, वही छाया सीता द्रौपदी के रूप में आती है, जाज्ञसिनी के रूप में आती है, यज्ञ कुंड से वही छाया सीता द्रौपदी के रूप में प्रकट होती हैं। साच कालेन तपसा यज्ञ कुंड समुद्भवा कामिनी पांडवानां च द्रौपदी द्रुपदात्मजा। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में आती हैं। तो 5 पतियों से क्यों विवाह हुआ, एक पति से विवाह होना चाहिए कि नहीं, द्रौपदी को पांडव पति के रूप में मिली, 5 पति मिले, क्यों मिले। नारद जी पूछते हैं प्रिया पंच कथम तस्या बभुर वर्मुन निपुंडवः, 5 पतियों से कैसे विवाह हो गया। तब नारायण कहते हैं कि हे नारद, जब ये छाया सीता पुष्कर में तपस्या करने के लिए गई और वहां ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और ब्रह्मा जी के बाद शंकर जी भी आए, शंकर जी ने वरदान दिया, तब छाया सीता वर मांगती है, प्रभु मैं पति से विहीन हूं, मुझे मेरे पति ने त्याग कर दिया, तो इसलिए आप मुझे वरदान दीजिए, मुझे उपयोग पति प्राप्त हो, स्वामी प्राप्त हो। तो महादेव, तो महादेव इतने प्रसन्न हो गए, 5 बार बोले पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचन पतिम देही पतिम देही 5 बार चकारसह, पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही 5 बार बोल दिया। जब 5 बार बोल दिया तो 5 पति मिल गए, बोलो राधे राधे। शिव तत् प्रार्थना श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वर प्रिये तव प्रिया पंच भविष्यन्ति वरम ददौ, मैं आपको वर देता हूं आपको 5 पति मिलेंगे। तो महादेव के वर के कारण वही वेदवती जो सीता जी के भीतर प्रकट हुई,
त्रेता में, और वही वेदवती द्वापर में द्रौपदी के रूप में आई और महादेव के वर से पांच पतियों की पत्नी बनी। ये महासती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये कुशध्वज का वंश हुआ, समझे? कुशध्वज की पत्नी मालावती और मालावती की पुत्री वेदवती, जो वेदवती सीता के रूप में आई और द्वापर में द्रौपदी के रूप में आई और फिर लक्ष्मी जी के अंश में पुनः प्रविष्ट हो गई। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु दूसरे भाई का क्या हुआ? दो भाई थे ना, एक कुशध्वज एक धर्मध्वज। तो कुशध्वज की तो वेदवती हुई, ये धर्मध्वज के यहां कौन आई? तो नारायण कहते हैं, हे नारद, धर्मध्वजस्य पत्नी माधवी विश्रुता नृपेण सार्धम सारा मेरे मे च गंधमादने। धर्मध्वज की पत्नी, उनका नाम है माधवी। ये माधवी धर्मध्वज के साथ गंधमादन पर्वत के ऊपर चली गई। अनेक वर्षों तक गंधमादन पर्वत के ऊपर अपने स्वामी धर्मध्वज के सहित लक्ष्मी जी की उपासना, नारायण की उपासना करने लगी और गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो माधवी के गर्भ में कौन आए? स्वयं महालक्ष्मी आई। 100 वर्ष तक गर्भ रहा। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक गर्भ रहा। और 100 वर्ष के बाद शुभे क्षणे शुभ दिने शुभ योगे च संयुते शुभ लग्ने शुभांसे च शुभ स्वामी ग्रहान्विते। कार्तिकी पूर्णिमायां तु सितवारे च पद्मज शुशावसा च पद्मांशा पद्मिनी तां मनोहराम। 100 वर्ष गर्भ धारण करने के बाद शुभ दिन, शुभ समय, शुभ योग, शुभ लग्न में कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन साक्षात महालक्ष्मी के अंश से पद्मिनी लक्षण से युक्त होकर के एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम दिया गया तुलसी। बोल तुलसी महारानी की। तुलसी नाम क्यों दिया गया? नरा नार्यश्च ताम दृष्ट्वा तुलना नातुमक्षमा तेन नामना च तुलसीम ताम वदन्ति मनीषिणाम। ये इतनी सुंदर थी, गुणों से इतनी श्रेष्ठ थी, इनकी महिमा ऐसी थी कि इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, किसी पुरुष से किसी नारी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए तेन नामना च तुलसी, तुलना ना करने के कारण इनका नाम हुआ तुलसी देवी। मनसा नारायण स्वामी भवितेति न निश्चिता ग्रीष्मे पंच तपा शीते तोय वस्त्राच पावृषी। और जन्म से ही इनका मन भगवान नारायण में था और नारायण को पति रूप में वरण करने के लिए ये भगवती तुलसी ये बद्रीनाथ आ गई, बद्रिका आश्रम उत्तराखंड, और वहां जाकर के भयंकर तप करने लगी। ग्रीष्म में पंचाग्नि लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके तपस्या करती। पोष माघ के ठंड के समय गीले वस्त्र पहन करके अलकनंदा के पानी के भीतर कमर तक जाकर के ठंड में तपस्या करती। वर्षा के समय वर्ष धारा के नीचे बैठ करके वर्षा के धारा में बैठ करके तपस्या करती। ततो दश सहस्राब्दम निराहार बभूव। 10,000 वर्षों तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए निराहार बन करके ये महा तपस्विनी तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी आए, बोले हे साध्वी, हे देवी, वर मांगिए। तो तुलसी जी बोली, एक वर दीजिए, भगवान नारायण मुझे पति रूप में मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोले वंदे महारानी की। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, बाकी कल सुनेंगे।